हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। भोजपुरी रसोई इन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं आप सभी को रेसिपी की वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हैं मैं एक टेलर हूँ, तो मैं भी बिजी थी ब्लाउज सिलने में, इसीलिए मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मैंने सोचा यार रेसिपी की वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ तो कम से कम ब्लाउज के डिज़ाइन की तो वीडियो शेयर कर दूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ये मेरा ब्लाउज है तो मैं अपना ब्लाउज सबसे पहले दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कभी भी यूट्यूब से नहीं देख के बनाती। जब भी बनाती हूँ अपना ब्लाउज तो कुछ अलग ही क्रिएट करती हूँ, कुछ अलग डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी मेरी ब्लाउज के कलेक्शन, और बाद में मैं आपको कस्टमर के भी दिखाऊंगी कि कस्टमर का ब्लाउज मैं कैसा बनाती हूँ। अक्सर कस्टमर लोग यूट्यूब से ही देख के बनवाते हैं, पर मेरी ब्लाउज में आपको सारी डिज़ाइनें ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं दिखाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी ब्लाउज झुमी चुकी ब्लाउज दिखाऊँगी, क्योंकि आजकल झुमी चुकी ब्लाउज बहुत ट्रेंड में चल रही है। तो मैंने अपने झुमी चुके ब्लाउज कैसा बनाया सबसे पहले मैं इसे दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये मेरी झुमी चुकी ब्लाउज है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई वर्क था, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिया है, क्योंकि चकती वाली डिज़ाइन मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, मुझे बहुत ही कम अच्छी लगती है। यूट्यूब पे देखने जाओ तो ज़्यादातर उसमें कपड़ा वपड़ा जोड़ के बनाए होते हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बाजू दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने बाजू के अंदर अस्तर नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था, किसी ने पहना था तो अस्तर नहीं लगाया था, अंदर से हल्का हल्का बाजू दिख रहा था तो बहुत प्यारा लग रहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अस्तर मिलता है ना, ये गांव का इलाका है, आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, तो बहुत आउट एरिया है ना, तो यहाँ पर अस्तर ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत छोटा छोटा इसका अस्तर आता है, तो उतने में बाजू होता भी नहीं, और मुझे ऐसा पहनना था भी ना, तो इसके अंदर मैंने अस्तर नहीं डाला है, इसके अंदर ही सिर्फ मैंने अस्तर डाला हुआ है। और फ्रेंड्स, बसकने की वजह से ना कपड़े बसक जाते हैं बिना अस्तर के जब बाजू बनाओ, तो मैंने अंदर से इसको इंटरलॉक करवा दिया था, अंदर से इंटरलॉक करवा दिया था ताकि ये जो कपड़ा है अंदर से ना बसके, क्योंकि हम इतनी महंगी महंगी साड़ियां लेते हैं, झुमी चुक्की और भी कोई साड़ियां, तो जब हम अंदर से इंटरलॉक नहीं करवाते हैं ना, तो पहनने के बाद ये यहीं से भसकने लगता है, तो हमारी ब्लाउज सारा का सारा ख़राब हो जाता है। मैं यहाँ पर दिखा दूँ आप सभी को, यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल सी डिज़ाइन दी है। यहाँ पर ये जो मोती लगी हुई आप देख रहे हैं, ये लेस नहीं है, अक्सर लेस में मोती लगी हुई आती है और हम लगाते भी हैं, वो लगाने में मशीन में दिक्कत भी होती है, पहनते हैं ना तो गले में बहुत ज़्यादा चुभती है, तो इसलिए मैंने इसको सुई से लगाया है। आपको थोड़ा सा देखने में पता लग रहा होगा, अंदर से आप देख सकते हैं, इसको मैंने सुई से डिजाइन की है, मोती लगाई है, ऊपर से मैंने पतला सा लेस लगाया हुआ है। हाथों से लगाने से मोती सुई सिलाई करने में भी दिक्कत नहीं होती है, और हाथों की लगाई हुई मोती बहुत ही प्यारी लगती है, तो आपका दिल करे तो आप सिर्फ ये मोती ही गले पे लगा के पहन सकते हैं, या फिर ऐसे लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं। मैंने लेस मोती दोनों लगाए हुए, बिना लेस लगाए हुए भी ये बहुत ही प्यारा लगने वाला मोती वाला डिजाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आप को इस तरीके की मोती नहीं लगानी आती है, आप सीखना चाहते हैं कि गले पे कैसे मोती लगाएं, और आप गले पर ही नहीं, आप साड़ी के बॉर्डर पर या फिर महंगी महंगी चुन्नी आती है सूट वाली, उसमें भी इस तरीके से मोती लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। दुपट्टा हो या फिर साड़ी का पल्लू हो या फिर आपका कोई भी हैवी लहंगा है, तो उसके दुपट्टे में आप इस तरीके से मोती लगाना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मोती लगाने के लिए। तो चलिए, हमारा झुमी चुका ब्लाउज तो हो ही गया, तो आगे हम और भी ब्लाउज अच्छे अच्छे डिजाइन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ब्लाउज है मेरी ये। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो मेरे साड़ी का ब्लाउज नहीं है, ये अलग से मैंने ब्लाउज बनाया था, तो दुकान पे यहाँ पर सूट का कपड़ा मिलता है ना, वही सूट का कपड़ा से मैंने बनाया था। तो देख सकते हैं, जो नीचे का बॉर्डर वाला हिस्सा रहता है उसको मैंने बाजू में ले लिया, बहुत ही प्यारा लुक आता है। फ्रेंड्स, इस तरह का कपड़ा मिले ना तो आप अपना एक ब्लाउज ज़रूर बनाइएगा, ये कॉटन का है, पहनने में भी बहुत आराम रहता है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। और इससे जो ऊपर वाला हिस्सा था जिसमें छोटे छोटे से होल्स थे, इसको मैंने नीचे पीछे की तरफ डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे होल्स हैं, तो पीछे की तरफ भी ये बहुत ही प्यारे लगते हैं।
और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मटका गला बनाया है। मटके गले पे मैंने ये सबसे पहले पाइपिंग बनाई और उसके बाद मैंने लेस लगा दिया है। और फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं, नीचे मैंने कुछ इस तरीके की डिज़ाइन दी हुई है, लेकिन मैंने इस कपड़े का ये नहीं बनाया। ये मैंने जो वेलवेट वाला कपड़ा था ना, तो फ्रेंड्स मैंने किसी का लहंगा बनाया था तो उससे वेलवेट का कपड़ा बचा था तो उसी से मैंने बनाया। बिल्कुल रियल गुलाब की कोड़ी की तरह लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपके पास इस तरीके लहंगे का कपड़ा या फिर दुकान पे भी आपको इस तरीके का मखमल का कपड़ा मिल जाएगा तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है देखने में और पहनने के बाद और भी प्यारा लुक आता है। इसी के साथ इसी को देखते हुए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लटकन में भी गुलाब का कोड़ी लगाया है। अक्सरतर मुझे रेडीमेड लटकन नहीं अच्छे लगते हैं क्योंकि जब सोने वोने जाओ ना अपने लगते हैं पीठ में, तो मैंने अक्सर मैं अपनी ब्लाउजेज में रेडीमेड लटकन नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी का मैंने सेट यहाँ पर भी मखमल का गुलाब की कोड़ी बना दी हुई है। और ये जो रस्सी, तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये ब्लाउज मेरा 4-5 साल पुराना है। मैंने किसी रेड साड़ी पे पहनती थी और जब वो साड़ी मेरी ख़राब हो गई तो मैंने ब्लाउज को ऐसे ही उठा के रख दिया था। तो आप सोच सकते हैं 4-5 साल पहले मैंने सिला हुआ था और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, पर फिर भी ये ब्लाउज देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप इस तरीके की ब्लाउज की डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि पहनने के बाद इसका कैसा लुक आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि पहनने के बाद कैसा लगता है ब्लाउज का डिज़ाइन। तो सारे ब्लाउज को मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लाउज भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लाउज है मेरा ये, मैंने इस तरीके की ब्लाउज बनाई है। मैंने इस पर पाइपिंग नहीं लगाया है, वी शेप में गला बना दिया है और इस पर पतला सा लेस लगा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था और साड़ी में ना हल्की हल्की सी चुन्नटें थीं, तो मैंने इस तरीके से बना दी सॉफ्ट कपड़े की। बहुत ही प्यारा लुक आता है फ्रेंड्स पहनने के बाद। और यहाँ पर मैंने अलग से लटकन लगा दिया। तो जैसे मैंने बताया था आपको, रेडीमेड लटकन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सोने के बाद वो चुभता है और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने एक बार साड़ी डाल ली तो मुझे निकालूंगी नहीं, कल ही निकलेगा, तो इसलिए मैं लटकन नहीं लगाती हूँ। तो मैंने इस तरीके की लटकन लगाई है, इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी हुई है। तो आप लोग सोचोगे कि यार इसका कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर क्यों नहीं दिया, इस तरीके से मुझे यहाँ पर भी लगाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स मैंने लगाया था लेकिन पहनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस तरीके की यहाँ वाली जो चीज थी मैंने हटा दी और पतली सी डोरी लगा दी और इस पर इस तरीके के लटकन लगा दिए। तो बहुत ही प्यारा लुक आया फ्रेंड्स, देखने में शायद आपको ना जम रहा हो लेकिन पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो अगर आप इसकी भी लुक देखना चाहते हैं तो मैं साड़ी आपको वेयर करके दिखाऊंगी। बस आप कमेंट जरूर करिएगा और फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए। जब टेलर लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइन पहनते हैं तभी अच्छे अच्छे डिज़ाइन सिलने को भी आते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लाउज भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लाउज है मेरी ये, तो आप देख सकते हैं मैं बहुत आलसी हूँ तो मैंने सिल के ऐसे ही फेंक दिया था, तो इसमें थोड़ी सी चुन्नटें आ गई हैं, प्रेस डालना पड़ेगा, मतलब प्रेस लगाना पड़ेगा। ये कुछ खास नहीं है ब्लाउज, इसका कपड़ा कुछ खास नहीं था तो मैंने इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं क्रिएट किया, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं ब्लाउज में और ब्लाउज भसक जाता है, ख़राब हो जाता है, तब सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। तो मैं देखती हूँ जो ब्लाउज मतलब ज़्यादा दिन इसका कपड़ा नहीं चलने वाला है तो मैं उसको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं देती हूँ। तो सिंपल सा मैंने इसमें मटका गला दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस लगा के मैंने एक एक डोरी लगा दी हुई है। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूँ, जब आप लोग ब्लाउज बनवाती हैं ना तो दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, इसकी लंबाई जो है 14 इंची से 14.5 इंची लंबा बनाइए। हाँ अगर आपकी हाइट कम है तो आप 13.5 इंची या 13 इंच बनवा सकती हैं, लेकिन आपकी हाइट ज़्यादा है या फिर मीडियम है तो आप 14 इंची या फिर 14.5 इंची का ब्लाउज बनवाइएगा। जब 14.5 इंची का 14 इंची का ब्लाउज बनवाएंगी तो बहुत ही अच्छा पीछे से गला बैठता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो कभी भी आप ब्लाउज सिलवाइएगा तो इसकी लंबाई आप ज़्यादा रखवाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में। तो मेरी भी ब्लाउज 14-14.5 रहती है और आगे सारे गले में मेरे इस तरीके से पाइपिंग वाली गला रहता है, पाइपिंग बना देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सारे गले में मेरे इसी तरीके से आप लोग पाएंगे, इसीलिए मैंने आगे के गले का नहीं दिखाया फोटो।
तो चलिए फ्रेंड्स, तो अब तो मेरी ब्लाउज डिजाइन हो गई, अब मैं कस्टमर का दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज है मेरी कस्टमर की। तो फ्रेंड्स, अक्सर मेरे कस्टमर, मैं सिलती हूँ, जैसे ही कस्टमर उठा ले जाते हैं ब्लाउज, तो मैं ज़्यादा ब्लाउज के डिजाइन आपके नहीं शेयर कर पाऊँगी कस्टमर की, पर जो भी बनेगा आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ब्लाउज की डिज़ाइन आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कस्टमर का ब्लाउज और इसमें मैंने ये वाली डिज़ाइन दिया। नाम तो मुझे नहीं पता है, पर कस्टमर ने बोला कि ऐसे ही बना दो, तो मैंने ऐसे ही बनाया। बहुत ही ज़्यादा ये वाली चीज़ ट्रेंड में चल रही हैं, बहुत लोग इस तरीके की डिज़ाइन बनवा रहे हैं और पहनने के बाद फ्रेंड्स बहुत प्यारा भी लगता है, तो मैंने ये बनाई है। तो ये वन टक्स पे ब्लाउज है, पहनने के बाद ये ब्लाउज भी बहुत ही प्यारा लुक आता है, भले ही वन टक्स पे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्लाउज अच्छा सिलेंगे ना तो शरीर पे भी अच्छा ही बैठता है। और चलिए मैं आपको पीछे का भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है पीछे का, और यहाँ पर मैंने हुक वाला बनाया है, मतलब हुक लगाया है नीचे की साइड, आगे से बंद है, पीछे से हुक है। और यहाँ पर मैंने ये वाले, उन्होंने कस्टमर ने बोला था ये वाला लटकन बनाने के लिए, तो मैंने ये वाला लटकन बनाया हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है इस टाइप की लटकन ना, पहनने चुभती भी नहीं है और पहनने में प्यारी भी लगती हैं। तो अक्सर बहुत लोगों का मैं इसी तरीके से बना देती हूँ, बहुत तरह तरह के लटकन बनाती हूँ। अभी मैं आपको फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा लटकन की फ़ोटो भी, और भी ब्लाउजेज़ के डिज़ाइन होंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।